हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में अभी पोस्ट निकली है, ठीक है। पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल जानने के लिए प्लीज़ चेक माय कंप्लीट वीडियो टू नो द ऑल ऑफ डिटेल्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। अब हम देखेंगे इन्होंने ग्रेड पे कितना रखा है। फॉरेस्टर में इन्होंने 4400 का ग्रेड पे रखा है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए इन्होंने 3200 का ग्रेड पे रखा है, ठीक है। जो हमारी फॉरेस्टर पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में इन्होंने 5 पोस्ट निकाली हैं, एससी के लिए 1, जो टोटल कितनी पोस्ट निकाली है इन्होंने फॉरेस्टर के लिए 6। फॉरेस्ट गार्ड के लिए देखते हैं, 8 निकाली हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 4 हैं एससी के लिए और 2 है ओबीसी के लिए, जो टोटल इन्होंने निकाली है वो है 14, क्लियर। अब इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो है 3 साल का। 3 साल का इनका प्रोबेशन पीरियड जरूरी है। जो इन्होंने एज मांगी है वो है 18 से 37 साल की, फॉरेस्टर के लिए भी एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी। एंड जो एज रिलैक्सेशन है एससी ओबीसी के लिए वो है एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के रूल्स फिक्स है उसके अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने कितनी मांगी है। इनको चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन पास होना ज़रूरी है। किन सब्जेक्ट्स में? फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, ये होना चाहिए। या फिर पर्सन की सेकंड डिवीज़न हो, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट फ्रॉम आईआईटी या सिविल इंजीनियरिंग में से सेकंड डिवीज़न हो, मतलब ग्रेजुएशन में से इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की क्वालिफिकेशन की। इन्होंने मांगी है 2+ विद डिप्लोमा उसके साथ, या फिर 2+ हो या डिप्लोमा हो। डिप्लोमा किस में? सर्विंग ड्राफ्टमैन सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। 29/9/2020 से शुरू है ये एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2020। आप 20 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका सिलेक्शन मोड क्या है? सिलेक्शन मोड में कहते कहते इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपको चाहिए 40%। कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा दोनों एग्ज़ाम में, फॉरेस्टर में भी एंड फॉरेस्ट गार्ड में भी। एंड 3 साल का कितना है हमारा प्रोबेशन पीरियड, जो हम पहले ही देख चुके हैं। एंड कैंडिडेट को पहले रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है, आफ्टर दैट उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फाइनल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, उसके बाद इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात करते हैं आपके किस सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी जनरल साइंस एंड करंट अफेयर में से 25 क्वेश्चन, मैथ्स में से 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर में से 10 क्वेश्चन एंड मेंटल एप्टीट्यूड में से 15 क्वेश्चन। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 घंटे का एंड जो आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 80। फॉरेस्टर में जो इनका फिजिकल प्रोसेस है इसमें इन्होंने मांगा है मेल की जो हाइट हो 163 सेंटीमीटर हो, चेस्ट 79 विदाउट एक्सपेंशन एंड 84 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। जो इन्होंने वॉक मांगी है वो 25 किलोमीटर हो 4 घंटे में, ठीक है। फीमेल पे आते हैं, फीमेल में इन्होंने मांगा है 150 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट मांगी है 74 विदाउट एक्सप्रेशन, 79 विद एक्सप्रेशन। जो वॉक मांगी है 14 किलोमीटर फॉर ईयर फॉर आवर्स की। इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने भी आपके क्वेश्चन हैं 100% अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है एंड आपने अटैम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारे क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो हमारा पेपर मोड होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। जो इन्होंने फीस मांगी है वो है जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए 300, जो एससी एसटी वुमेन के लिए है वो है 200, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ दिसंबर में हो जाएगा, मिड ऑफ दिसंबर 2020 एंड जो आपका रिजल्ट है 15 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट है मोस्टली लटकता रहता है, ठीक है। एंड जो इसकी कंप्लीट डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उस पर आप क्लिक करके इसका ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं। फॉर फर्दर न्यू अपडेट्स फॉलो माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ताकि सभी के पास जो रीसेंट हमारे रिक्रूटमेंट्स हैं वो पहुंच सके टाइम पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।